आइए एक रागनी आप लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के दर्शन से सुदामा में गरीबी के दिन आ जाते हैं, अंधन का कोई प्रबंध नहीं होता है, बच्चे परिवार वो भूख वो तड़प, मिश्रानी मजबूर होकर बोलती है कि हे कन्हैया हे कृष्णा के दरबार में जाइए सुदामा। सुदामा कहता है कि मिश्रानी मैं क्या बोली मिला उसके स्थान में, अरे हम बचपन के यार है, वो बचपन का यार मेरा क्या सोचेगा कि आज मेरा यार मेरे सामने भीख मांगने के लिए आया है, अगर मैं द्वारका नगरी का राजा हूं तो। लेकिन बार बार समझाने से सुदामा चला जाता है। जाने के बाद में उसकी वेशभूषा को देख करके उसके हालात को देख करके द्वारपाल उसे रोक लेते हैं। द्वारपाल उसे रोक लेते हैं उसकी वेशभूषा को देख करके, पूछते हैं कि कौन है वो, कहां से आया है। तो वो अपने आप को जो हकीकत है वो बताता है कि मैं कन्हैया का यार हूं, द्वारकाधीश का मैं बचपन का यार हूं। तो उसकी इस बात को लेकर के हंसते हैं वो, उसकी इस बात को लेकर के हंसते हैं वो। तो आइए द्वारपालों से वो सुदामा सुनिए, बहुत ही अच्छी रागनी सुनने लायक रागनी होगी आप लोगों के बीच में। आइए के राजेश जी चाहे कहीं भी हो, कहीं भी कद्दू में तीर मार रहे हो, भाई साहब ने आगे कहिए कि यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाएंगे। आइए वो सुदामा उन द्वारपालों से क्या कह रहे हैं सुनिए। श्रावण के द्वारा बोल दीजिए क्या कहते थे आगे बोलो।
मैं सभी के लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। और हजार रुपए से सतीश भाई ने प्रताप जी धनगर 100 रुपए से मानसा मार करते बार बार धन्यवाद। पवन पारिक जी मोरवा से 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और कहता है सुदामा कि हे द्वारपालो, मेरी यारी इतनी कच्ची नहीं हो सकती, मेरी यारी इतनी कच्ची नहीं हो सकती, अगर इतना बता दोगे तो जरूर समझ जाएगा वो कृष्णा कि मैं सुदामा हूँ और उसके बचपन का यार हूँ। आइए तीसरी बात में क्या कह रहा है के सरपंच महोदय, अपने भाई का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए से बाबू नाथ की मोर से तहे दिल से धन्यवाद। आइए तीसरी बात में क्या कहते थे, I'm gonna make it.